हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। ये है साइड क्वेस्ट का गेम प्ले वीडियो। साइड क्वेस्ट का वीक टू शुरू हो चुका है, लेकिन मुझे लगा था कि वीक टू में दूसरा कोई वीक आएगा, दूसरा कुछ चैलेंज आएगा, लेकिन ये सेम चैलेंज है, हमें हर हफ्ते करना पड़ेगा। एंड थर्टेबल 5 ही खेलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ स्पेशल सोलो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो कि हमें करने हैं। यहाँ पे देखो, पहला जो है हेडीज एडहेंट विन फाइट अगेंस्ट पैनी पार्कर या स्पाइडरमैन 2099। इसके सबसे इजी मैं आपको वो बता देता हूँ, क्या बोलते हैं, सबसे इजी डुअल आईडी बता देता हूँ यहाँ पे, और बाकी सब तो आपको पता है कैसे करने हैं। सबसे इजी डुअल आईडी मैं बताता हूँ यहाँ पे, लिख दो स्पाइडर देन स्पेस एंड 99 सर्च मारोगे तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, ये वाली डुअल आईडी जो कि स्पाइडरमैन 2099 की है। एंड यहाँ पे आपको बस खेलना है और बस आराम से इसको मारना है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जल्दी से एंड 5 बार करते हैं इसको कंप्लीट जल्दी से, फिर वहां पे स्पेशल सोलो ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम चलेंगे थर्ड लेवल 5 पे साइड क्वेस्ट के वीक 2 पे एंड देखते हैं भाई उसमें क्या करना है। हमारे पास एक एनर्जी मेरे ख्याल से है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा वॉल्यूम कम करूँ एंड 2 हो गया यहाँ पे, जल्दी से 3 कर लेते हैं। सबसे इजी डुअल है भाई, यहाँ पे जाके कर लो एंड आराम से ये वाला क्वेस्ट भी, ये वाला स्पेशल चैलेंज जो है वो भी कंप्लीट कर लो। यहाँ पे 3 हो गए, चलते हैं जल्दी से रिप्ले करते हैं एंड इसके बाद में एक और करना है। उसके बाद में हम जाने वाले हैं साइड क्वेस्ट में थ्रेट लेवल 5 पे। बहुत ईजी है वैसे यार, मेरे को तो बहुत ईजी लगा, आप सभी लोगों को भी ईजी लगेगा। हाँ, मेरे सेकेंड अकाउंट में भी मेरे को ईजी लगा, मेरे पास वैलकरी है वहाँ पे, तो वैलकरी सबको लगभग मार रही है। बस मुझे ह्यूमन टॉर्च अगर मिल जाता है सेकेंड अकाउंट में तो भाई बहुत बढ़िया रोस्टर हो जाएगा वहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने 5-6 बार करना है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। 6 बार ही किसी भी साइड क्वेस्ट में चले जाओ या क्वेस्ट में चले जाओ, आपका इजीली हो जाएगा यहाँ पे। एंड ये क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे इसके साथ में, हाँ अगर, और ये वाला कैसे करना है, स्पाइडर वर्स हीरो यूज करके सिनिस्टर 6 का हीरो या सिम्बियोट अगर यूज करोगे या उनके खिलाफ भी लड़ोगे, आपके पॉइंट्स बनते चले जाएंगे और ये वाला पॉइंट भी होता चला जाएगा आपका कंप्लीट। यहाँ पे जल्दी से इसे क्लेम करते हैं। प्रोफाइल फोटो वैसे अच्छी है, मेरे ख्याल से मुझे यही लगा लेनी चाहिए, मुझे अच्छी लगी यार, काफ़ी अच्छी लगी। आई थिंक यहीं कहीं होनी चाहिए, नहीं ओके, तो ये रही यहाँ पे प्रोफाइल फोटो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने एंड चलते हैं साइड क्वेस्ट में जल्दी से। हमारे पास एक एनर्जी है मेरे ख्याल से, हाँ एक एनर्जी है, तो जल्दी से थ्रेट लेवल 5 पे चलते हैं। और सेम है, हमें यहाँ पे शांगची रखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सन स्पॉट को रखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे हरकुलिस तो डेफिनेटली रहेगा भाई, हरकुलिस के बिना क्या ही कोई कुछ करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला। अरे मेरा ये बाहर कहाँ भाग रहा है, बाकी तो मुझे लगता है आई थिंक डन है, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से एंड यहाँ पे बिगिन करते हैं क्वेस्ट को। मैंने यहाँ पे खेला है ये ऑफ कैमरा साइड क्वेस्ट, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अगर ये वाला पाथ, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ कर चुका हूँ, सिर्फ ये वाला पाथ बाकी रहता है जिसमें कि अवेकन जेम हमें मिलेगा, लेकिन इसके लिए अभी तक मेरे पास गेट पास नहीं मिला है। ये गेट पे जाने के लिए आई थिंक ये वाला, हाँ ये वाला पास चाहिए हमें, ये वाला एनर्जी चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिले, और ये वाले एनर्जी लेके जाएगी क्या हमको, ओके ये वाली एनर्जी जो है वो भी नहीं लेके जाएगी, हमें इसके लिए गेट पास ये वाला ओपन करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे चांस लेते हैं, हमारे पास एक गेट पास है लेकिन मैंने सारे के सारे वहां पे क्लेम कर रखे हैं यार, चांस करते हैं, देखते हैं किधर पे लेके जाएगा ये। ओके यहाँ पे लेके गया, शांची का कमाल आएगा यहाँ पे एंड आई थिंक यहाँ पे मैं गोल्ड गोल्ड ही लेने वाला हूँ ज्यादातर, मुझे लगता है शांची का यूज करते हैं। यहाँ पे लोकल नोड अगर आप देखोगे, आप अगर इसको इंटरसेप्ट करते हो तो आपको फ्यूरी मिलेगा जिससे कि आपका अटैक रेटिंग जो है 200% बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको डिफेंडर को मारने को बहुत इजी हो जाएगा। तो यही है, पहले तो हम स्लो डिबफ डालेंगे ताकि ये इवेड ना करे, क्योंकि अगर इसने इवेड किया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर हमको मार भी पड़ सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे स्लो डिप ऑफ डाल दिया। कोशिश करो कि स्पेशल टू पे पुश करो इसको बार बार, क्योंकि स्पेशल टू पे इजी रहेगा, स्पेशल टू डेक्स करना भी इजी होता है ऐसे स्पाइडरमैन का, स्पाइडरमैन क्लासिक। ओके ओके ये दिया हमने स्पेशल टू, एक फ्यूरी है मेरे पास और ये फाइट हो चुकी है बिल्कुल खत्म। आई थिंक 29 हिट्स के अंदर अंदर मैंने फाइट खत्म की थी। ये चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे जो कि है यहाँ पे एजेंट विरोन के साथ में। अब यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि ये प्यूरीफाई बहुत जल्दी कर लेता है,
मैं फिर भी सनस्पॉट को लेके जा रहा हूँ, स्पेशल टू फेंकना पड़ेगा हमें। लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है सनस्पॉट यहाँ पे। ये तो बात है, लेकिन हाँ हमें फ्यूरी मिलेगा। अगर आप इंटरसेप्ट करोगे तो आपको फ्यूरी मिलेगा, जिससे कि क्या होगा, आप बहुत जल्दी मार सकते हो यार सामने वाले को। यहाँ पे स्पेशल टू स्पैम कर दिया है, स्पेशल वन स्पैम किया है। अब मैं जा रहा हूँ स्पेशल टू पे। ओके 48% एंड मेरा स्पेशल टू रेडी है। ये दिया मैंने स्पेशल टू, नाइस डैमेज एंड ये फाइट हो चुकी है खत्म बिल्कुल। एंड चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे, जो कि सिम्बियोट सुप्रीम के साथ है। सिम्बियोट सुप्रीम के सामने कोई भी बफ चैंपियन मत लेके जाओ। अगर बफ के चैंपियन लेके आगे बढ़ जाओ भाई, अगर बफ वाले चैंपियन लेके जाओगे तो आपकी बुरी हालत होने वाली है। यहाँ पे मैं शांची का यूज करने वाला नहीं, मैं सनस्पॉट का यूज करूंगा क्योंकि ये बफ गेन नहीं करता है। सेम है बाकी इसका स्पेशल वन, बहुत देर से बनता है सिम्बियोट सुप्रीम का, तो हम आराम से उसको मार सकते। अरे नहीं, थोड़ा लेट हो गया मैं यहाँ पे पैरी करने में, बाकी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया हमने स्पेशल वन एंड फ्यूरी की मदद से बहुत जल्दी इसको लपेट लिया। यहाँ पे हैवी लोड किया हमने एंड विस्फोट किया हमने अगेन। चलो ये फाइट हुई खत्म। यहाँ पे ब्लॉक डैम ब्लॉक कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं ब्लॉक। ओके अब यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे हमारी फाइट है, बॉस फाइट है प्यूरीगेटरी के साथ में। अब देखो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे चॉइस होती थी कि दूसरा पाथ सिलेक्ट कर, लेकिन वो कबाब ने ठीक कर दिया। वो पहली रात को हुआ था सिर्फ, अगले दिन से सब कुछ ठीक हो गया था। तो यहाँ पे क्या है कि प्यूरीगेटरी से फाइट है, डेफिनेटली प्यूरीगेटरी इंसर्नेट इम्यून है, तो हम सनस्पॉट का तो यूज़ कर नहीं सकते। लेकिन हमारे पास ये बंदा है, टॉर्च है, तो हम टॉर्च को यूज़ करेंगे। 3,45,000 की हेल्थ है। अगर इस पर देखा जाए हमें 5-8 कॉम्बो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हर बार अलग। अगर हम लाइट से एंड कर रहे हैं तो हमें अगली बार मीडियम से एंड करना होगा। अगर हम सेम यूज़ करेंगे तो हमारी फ्यूरीज चले जाएंगी, 10 फ्यूरी मैक्सिमम मिल सकती है हमें। और ये चूज़ करेंगे हमें स्पेशल वन मारना है या स्पेशल टू। अगर हमने इसे चूज़ किया स्पेशल वन और हम स्पेशल वन ही छोड़ेंगे तो हमें ट्रू डैमेज मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और जब भी ये अपना स्पेशल यूज़ करेगी ये स्टन इम्यून हो जाएगी, तो मतलब स्टन नहीं कर पाएंगे इसको। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम ऐसे ही जला डालेंगे इसको। जैसे देखो वहाँ पे मेरे ऊपर 2 का नंबर है, इसका मतलब हमें स्पेशल 2 यूज़ करना होगा, तभी हमें ट्रू डैमेज मिलेगा, वरना तो नहीं मिलेगा। उसे डैमेज कम नहीं होता है, बस ये है कि ट्रू डैमेज हो, जैसे हो गया मिस नहीं करेगा, या आई थिंक ऑटो ब्लॉक भी नहीं करेगा, इसीलिए होता है शायद ट्रू डैमेज। ओके इसने स्टन इम्यून डाला है। मैं यहाँ पे स्पेशल 2 देने जा रहा हूँ उसको। देखो स्पेशल 2 दिया, ट्रू डैमेज मिल गया। यहाँ पे हैवी लोड किया, अगेन मैं हैवी लोड करने वाला हूँ। नाइस, एंड ये स्पेशल 2 यूज करेगी, मुझे पता था। ओके हमने अगेन यहाँ पे इसको पूरा कॉम्बो दिया ताकि इसका स्पेशल बार बने, ये फिर से स्पेशल यूज करे और हमें एक ओपनिंग मिल जाए। अब मुझे लाइट से एंड करना है। यहाँ पे देखो 2 फ्यूरी आ गए। अब मेरे को अगला जो कॉम्बो है वो मीडियम से एंड करना होगा, वरना तो नहीं होगा फिर भाई, वरना लग जाए। ओके ये स्पेशल क्यों नहीं यूज कर रही, मुझे यहाँ पे मीडियम से एंड करना होगा ताकि फ्यूरीज गेन करूँ। देखो फ्यूरी मिल गई हमें 3। अब मुझे लाइट, अरे यार ब्लॉक कैसे कर लिया इसने। अब मुझे लाइट से एंड करना है कॉम्बो को ताकि मुझे एक और फ्यूरी मिले और हम आसानी से इसे मार सके। यहाँ पे दिया स्पेशल 2 एंड आई थिंक मर जाएगी, अब तो मर जाएगी यार, जीने का हक तो है नहीं इसे। हैवी लोड एंड आई थिंक यह मर चुकी है। और हमने साइड क्वेस्ट वीक 2 का भी बहुत इजीली कंप्लीट कर दिया। लेकिन हाँ जेम वाला पाथ जब आएगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे जेम वाला पाथ रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आप लोगों को। मुझे ना गोल्ड की जरूरत है, ना मुझे 6-स्टार क्रिस्टल की जरूरत है, मुझे यहाँ पे टायर 4 रैक 4 मटेरियल की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है मेरे को यहाँ पे एक ये टायर 3 अल्फा लेना चाहिए। दूसरा मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे टायर 6 बेसिक कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, मुझे अच्छा लगता है भाई। एंड नेक्स्ट जब आएगी यहाँ पे एनर्जी उसके बाद में और खेलेंगे। अब ऑफ कैमरा ही खेलूंगा, जैसे ही जम वाला पाथ आएगा तो हम मैं रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।